ये बाबा कितना बड़ा रसिया है इसका अंदाजा आपको इसकी प्रोफाइल देखकर ही लग जाएगा। पुलिस की माने तो अनुज सरस्वती नाम के इस डपोर शंखी बाबा ने एक मैरिज साइट पर लकी पांडे के नाम से फेक प्रोफाइल बना रखी थी और इन दिनों एक साथ 32 लड़कियों के साथ डेटिंग और चैटिंग में जुटा था। जब पुलिस ने वर्चुअल वर्ल्ड में उसके फुटप्रिंट खंगालने की शुरुआत की तो पता चला कि 8वीं पास ये बाबा खुद को बीएससी पास बताता था और लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए इंग्लिश में ही बातें करता था। अब इसे ठगी के इस महाअवतार की सलाहियत ही कहेंगे कि ये बाबा कोई 2-3 नहीं बल्कि 17 भाषाओं का जानकार है और ये दावा भी कोई और नहीं बल्कि खुद उससे धोखा खाई उसकी बीवियां कर रही हैं। अभी तो मौजूदा हालत में इसने 5 लड़कियों से शादी की है, 5 लड़कियों की जिंदगी नरक कर दी है इसने और पता नहीं कितनी फंसा रखी है इसने। हाँ नहीं, हम लोगों के सामने बात नहीं करता, सत्संग जैसे कि बोलता है कि हम तांत्रिक हैं, तांत्रिक के द्वारा अपने घर में बुला लेता है लड़कियों को, ठीक है, उनसे सारी संबंध बना लेता है, बोलता है कि हम ऐसे कर देंगे वो कर जे कर देंगे तुम्हारे लिए वो कर देंगे और फिर वो ऐसे ही फंसा लेता है, फिर उसके बाद उनसे शादी कर लेता है। देश में ऐसे बाबाओं की तो बहार है जो आस्था से खेल कर भोले भाले लोगों को ठग रहे हैं। हर दूसरे आस्था के बाजार में कोई ना कोई नया ढोंगी बाबा सामने आ जाता है, कोई प्रवचन देकर लोगों से ठगी करता है तो कोई मोक्ष दिलाने के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाता है। और ऐसे बाबाओं की भी कोई कमी नहीं जो सिर्फ महिलाओं का उद्धार करने में ही विश्वास रखते हैं। और ये शादी वाले बाबा तो ऐसे बाबाओं से भी कई कदम आगे निकल चुके हैं। ये शादियां करके अपने भक्तों को झांसा देते हैं, उनकी इज्जत और आबरू से खेलते हैं। दर्जनों महिलाओं को अपना शिकार बनाने वाला ये बहुरूपिया बाबा तरह तरह के रूप बदलता था। कभी वो मौलाना का रूप रख के, कभी शिक्षक का, कभी पुलिस वाला या अफसर, नेता या फिर कुछ और। हर बार वो अपना रूप बदलता था और हर बार नई महिला का शिकार करता था। इसके लिए उसने अजीबोगरीब तरीका इस्तेमाल कर रखा था। पहले वो ऑनलाइन या डेटिंग की साइट पर इन लोगों से संपर्क करता, बातचीत शुरू करता और जब मीठी मीठी बातों में इसकी महिलाएं आ जाती उनके सामने अपनी गलत छवि बता करके, यानी अपनी गलत आइडेंटिटी बना करके उनसे लगातार बातचीत करना शुरू करता। लेकिन शादी करने के शौकीन स्वामी अनुज चेतन सरस्वती जी महाराज के ठगने का तरीका भी अलग ही है। ये दूसरों की नहीं बल्कि खुद की शादियां करने में ज्यादा यकीन रखते हैं। अब तक करीब आधा दर्जन शादियां कर चुके हैं और अभी भी शादियां करने का शौक पाले बैठे हुए थे। वो तो भला हो उनकी पत्नियों का जिन्होंने वक्त रहते शादी के शौकीन इस शख्स की पोल खोल दी, वरना ये शादियां कर करके रिकॉर्ड बनाने वाला था। मजबूरी में नहीं, इसने मुझसे शादी.com के माध्यम से शादी किया, खुद को कस्टम ऑफिसर बताया, अविवाहित बताया और मेरी आर्य समाज मंदिर से शादी हुई। उसके बाद कोर्ट से रजिस्ट्रेशन हुआ, शादी में इसका पूरा परिवार मौजूद था और फिर ये लोग मुझे विदा करके ले चले गए, निगोही ले गए। वहाँ पे मैं 3 दिन रही, मुझे कहीं कुछ भनक नहीं लगी। वहाँ से फिर हम आ गए और उसके बाद दोबारा जब हम गए वहाँ पर 1 हफ्ता रुके, तब भी मुझे कहीं पता ही नहीं चल पाया। जब इन महिलाओं ने 2020 फरवरी में अपना FIR किया और न्यूज़पेपर मीडिया में आया, तब हमने उसको पढ़कर मैं तो शॉक्ड हो गई, नई नई शादी मेरी, ये क्या था। अब सवाल यह है कि आखिर अनुज चेतन सरस्वती जी महाराज इतनी शादियां पे शादियां क्यों करते चले जा रहे हैं? ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि कभी सत्संगी, कभी मौलाना, कभी तांत्रिक और कभी कुछ और बनकर भोली भाली महिलाओं से शादियां करने वाला ये इंसान दरअसल एक बहरूपिया है और इतना शातिर है कि महिलाओं को धोखा देने की इसकी लत छूटने का नाम ही नहीं ले रही है। पुलिस की छानबीन में पता चला है कि शादियां करने के बाद ये अपनी पत्नियों का सौदा करता था और उन्हें नशीला इंजेक्शन देकर देह व्यापार के दलदल में धकेल देता था। ये उनसे पैसे भी वसूलता था। जिन महिलाओं से इसने शादी की उनका तो इसने शोषण किया ही, इसने अपने छोटे भाई की पत्नी को भी नहीं छोड़ा और मौका मिलते ही उसे भी बेच डाला। इन्होंने 2011 में एक शादी की थी, उसके बाद बरेली से की थी, उसके बाद एक औरैया से की है शादी, उसके बाद इन्होंने एक चौथी व पांचवी शादी इन्होंने कानपुर से की है। और मुझे देह व्यापार में धकेला जा रहा था, जैसे कि तैसे मैं वहाँ से बच के आ गई।
उसके बाद में जो है ये कभी लेने नहीं आए मुझे। अब ये छठवीं शादी करने की तैयारी कर रहे थे, 32 लड़कियों से चैटिंग कर रहे थे। बाबा की करतूतों का राज तब खुला जब उसकी बीवियों ने कानपुर पुलिस को अपनी आपबीती सुनाई। उन्होंने स्वामी अनुज चेतन सरस्वती जी महाराज पर कई और गंभीर आरोप लगाए। महिलाओं का आरोप है कि अनुज चेतन सरस्वती साधु के रूप में दरअसल एक दरिंदा है। सत्संग और तंत्र विद्या का ढोंग रचकर ये महिलाओं को अपने जाल में फंसा लेता है, फिर उनका भरोसा जीतने के लिए महिलाओं से शादी तक कर लेता है और फिर उन्हें किसी न किसी बहाने से जिस्म फरोशी के दलदल में फंसा कर फरार हो जाता है। इसकी जो पत्नियां ऐसा करने से इनकार करती हैं, ये उन्हें बंधक बनाकर बुरी तरह मारता पीटता है। बताया जा रहा है कि इसकी एक पत्नी ने तो खुदकुशी तक कर ली, जबकि बाकी बीवियां या तो उसे छोड़कर भाग चुकी है या फिर उसके साथ तलाक का मुकदमा लड़ रही है।